नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं नीतीश गुप्ता और हम लोग इस समय गोरखपुर से जो शास्त्री चौक आपको पीछे नजर आ रहा होगा, शास्त्री चौक से जो सेंट एंड्रयूज कॉलेज की तरफ रोड जाता है वहां पे खड़े हैं। एक खबर दिखानी है और हो सकता है यह खबर उन लोगों के लिए बहुत बड़ी ना हो जो बड़े बड़े अहदे पे या बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठे हैं, यानी मंत्री और साहब जी लोगों के लिए, लेकिन ये खबरें आम जनता के लिए जरूर है। आम जनता के लिए इसलिए क्योंकि इस सड़क की चौड़ाई देखिए, 15-15 फीट की लगभग ये सड़कें हैं, दो ऑटो सही से नहीं चल पाएंगे और इसी के बीच सड़क की स्थिति देखिए, ये बड़ा गड्ढा आपको सड़क के बीच में नजर आ रहा होगा। और ये गड्ढा आपको बता दें कि अभी हाल ही में नहीं हुआ है, अगर कोई कहे कि 10-12 दिन पहले, तो ये 10-12 दिन पहले का नहीं है, ये लगभग 2 महीने से ज्यादा हो गए इस गड्ढे को, लेकिन आज तक इस गड्ढे को फिल नहीं किया गया। इस रोड की चौड़ाई देखिए, इस रोड पे ठेले और तमाम बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं, कभी कभी सीएम का काफिला भी इधर ही से गुजरता है, लेकिन शायद किसी जो जिम्मेदार है उनकी नजरें इस पे नहीं पड़ी, या फिर पड़ी तो उन्होंने बहुत जरूरी नहीं समझा इस चीज को सही कराना, और यही कारण है कि ये गड्ढा देखिए कितना गहरा है। और कहीं ना कहीं ये ऐसा गड्ढा आगे आने वाले समय में बड़ी दुर्घटना कर सकता है, क्योंकि बहुत अच्छी लाइट भी नहीं है जब आप यहाँ से रात में गुजरेंगे। जो लोग इधर से गुजरते होंगे उनको पता है कि रात की स्थिति यहाँ पे क्या होती है, लाइटें बहुत बेहतर नहीं है, उजाला बहुत अच्छा नहीं पड़ता है। और ये मान के चलिए कि कोई गलती से बाइक वाला या साइकिल वाला या कोई पैदल ही अगर इधर से गुजर रहा होगा तो, और इस गड्ढे में अगर उसका पैर पड़ता है, तो तस्वीरें फिर आगे आने वाली क्या होगी, और दुर्घटना के बाद फिर जाहिर सी बात है कि बात यही कही जाएगी कि जल्दी इसको ठीक करा दिया जाएगा और जो भी हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो दुर्भाग्यपूर्ण ना हो इसीलिए हम आपको ये खबरें दिखा रहे हैं, और हो सकता है कि इस खबर के बाद कुछ साहब लोग जग जाएं और इस रोड को बनवा दें, ताकि आगे आने जो इस रोड से गुजरने वाले लोग हैं उनको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ये देखिए आपको जो सफेद बिल्डिंग नजर आ रही होगी वो नगर निगम की नई बिल्डिंग है, कुछ दिन पहले ही पिछले ही साल अभी इसका उद्घाटन भी किया गया था इस बिल्डिंग का। ये कुछ ही दूरी पे स्थित है शास्त्री चौक पे, और आगे सेंट एंड्रयूज कॉलेज है, ये मेन रोड है। आपको बता दें कि इधर से कभी कभी सीएम का काफिला भी गुजरता है, और यही रास्ता है बड़े बड़े साहब लोगों के आने जाने का, यानी जितने बड़े अधिकारी हैं उन लोगों के भी जाने का यही रास्ता है, लेकिन फिर भी किसी की नजर इस पे नहीं पड़ी ताकि वो इसको यहाँ पे बनवा सके। फिर एक बार और नजर डालिए, और ऐसे तमाम खबरें हमारे पास आई, ये केवल यहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसे बड़े बड़े होल आपको अलग अलग जगहों पे भी नजर आएंगे। हालांकि अभी कुछ लोग ये जरूर कह सकते हैं कि बरसात की वजह से ये होल हुआ होगा, लेकिन फिर हम आपको बता दें कि ये लगभग 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, ये जस का तस पड़ा हुआ है। ये उम्मीद थी कि किसी की नजर इस पे पड़ेगी, जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, जो साहब लोग, वो कहीं ना कहीं इसको ठीक कराते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी चीज नहीं है, इस बार इसको ठीक करा दिया जाए तो बड़ी दुर्घटना को रोका जा सकता है। ये देखिए इस गड्ढे की गहराई कितनी है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आधा पैर इसके अंदर आ गया, यानी कोई अगर अचानक से यहाँ से गुजर रहा हो और इस गड्ढे के बीच अगर आ जाए तो उसका पैर हाथ टूटना तय है। इस खबर को दिखाने का एक यही मकसद है कि उम्मीद है कि साहब लोगों की नींद जरूर खुलेगी, और इधर से गुजर रहे हो इस रोड से या उधर रोड से तो यहाँ पे आके जरा नजर डालिए, और किसी कोई बड़ी दुर्घटना ना हो उसको रोकिए, और इसको कहीं ज्यादा जल्दी से जल्दी जितना बेहतर हो सकता है उसको कराइए। ऐसी स्थिति सूरजकुंड, तिवारीपुर और तमाम जगहों पे है। तमाम दर्शक भी अपने अपने वहाँ पे कमेंट बता रहे थे कि और कहाँ कहाँ पे ऐसी स्थिति है, वो भी उम्मीद करते हैं कि साहब लोग उस पर भी नजर मारेंगे और तस्वीरें बेहतर करेंगे। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।